हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है ना, ये सब चीजें पढ़ ली थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेन्स नेम। डोमेन्स नेम क्या होते हैं ये सबसे पहले जानते हैं, ठीक है, कि डोमेन्स नेम हमेशा ये बोल सकते हैं, इसी तरीके से मैं बोलता हूँ, किसी भी नाम को शॉर्ट कर देना, ठीक है ना। शॉर्ट क्यों कर देना, किस कारण से कर देना, ठीक है। क्या रहता है, आपने सारी वेबसाइट वगैरह देखी होगी, ठीक है ना, आपने यूज करते होगे तो आपने देखा होगा कि सभी चीज को शॉर्ट करके लिखा जाता है ताकि उसको इजी रखा जाए। अब एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं और सभी के नाम क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिए जाते हैं, एक आईडी बना दी जाती है। लाइक ये बोल सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के लिए क्या जियो भी फिक्स कर दिया उन्होंने, एजुकेशन के लिए ईडीयू कर दिया है। ऐसे बहुत सारी आपकी वेबसाइट है जिनका क्या है, एक डोमेन नेम दे दिया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही चीज के क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें। आप जैसे मेरा नाम है, ठीक है, मेरे नाम पे जरूरी नहीं मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे। सबका एक क्या करता है, वेबसाइट बनाते हैं तो डोमेन नेम दे दिया जाता है, जिससे ढूंढने में, उनको लिखने या फिर पढ़ने में या फिर वेबसाइट को सर्च करने में आसानी रहती है। हमें पढ़ते हैं, बुक में दिया है आपको। डोमेन नेम दो भाग होते हैं जिन्हें एक डॉट द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है ना। डोमेन नेम के दो भाग होते हैं जिसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल उसने दिया है, एग्जाम्पल, ठीक है ना, डॉट कॉम, ठीक है ना। दो भागों में उसने क्या कर दिया, इसको बांट दिया, किसके द्वारा, डॉट के द्वारा। फिर दिया है एक डोमेन नेम नाम का उपयोग एकल आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस के समूह की पहचान करने के लिए किया जाता है। अब डोमेन नाम है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, आईपी एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस के ग्रुप को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा दिया है एक होस्ट या संगठन एक वैकल्पिक नाम के रूप में एक डोमेन का उपयोग कर सकते हैं, होस्ट या संगठन, ठीक है ना। मतलब मैं हूं तो मैं डोमेन नेम का यूज कर सकता हूं, कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी डोमेन नेम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन नेम का अल्फा न्यूमेरिकल सभी संख्याओं के विपरीत रहता है, जिसमें याद रखना आसान रहता है, ठीक है ना। आप नॉर्मली तरीके से डोमेन नेम को याद कर सकते हो, सभी इजी रहते हैं। किसी वेबसाइट की पहचान के लिए एक यूआरएल के हिस्से के रूप में एक डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हर वेबसाइट की पहचान करने कहाँ से होती है, उसके डोमेन नेम से होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है डॉट का अनुसरण करने वाला हिस्सा शीर्ष स्तर का डोमेन TLD है या समूह जिसका नाम डोमेन नेम है, उदाहरण के लिए .gov अमेरिकी सरकार के लिए डोमेन नेम के लिए, ठीक है ना। अब .gov ये किसके लिए यूज होता है, अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए यूज होता है, अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने अगर डोमेन नेम दे रखा, उनकी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कौन सी वेबसाइट, .gov के नाम से ही यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है डोमेन नेम की पृष्ठभूमि में आईपी एड्रेस एक पहचानने योग्य अल्फा न्यूमेरिकल डोमेन नेम को एक सिस्टम द्वारा डोमेन नेम सिस्टम के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, उदाहरण एग्जांपल दिए हैं, .com पढ़ा होगा आपने, वेबसाइट सर्च करी होगी तो लिखा होगा कभी भी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, कॉमर्स बिजनेस, ठीक है ना। .com का मतलब क्या होता है, बिजनेस साइट से। अब जब भी किसी चीज पे .com लिखा हुआ आता है तो उसमें ये मान के चलना कि वो कॉमर्स का है, ठीक है ना, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है .edu मतलब एजुकेशन। फिर दिया है आप बुक में देखोगे तो और भी एग्जांपल, .gov गवर्नमेंट एजेंसी, .int इंटरनेशनल एंटिटी, .mis मिलिट्री, .net नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको एग्जांपल में दी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन किसी भी वेबसाइट का नाम होता है जिसे लोग सर्च इंजन में सर्च करके डायरेक्ट आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। जैसे अगर आप गूगल में www.facebook.com टाइप करते हो तो आप डायरेक्ट फेसबुक पर पहुंचते होगे, ठीक है ना। तो डोमेन नेम क्या है, एक वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है ना, जिसको आप सर्च करके उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। जैसे एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर दिया है। दरअसल डोमेन नेम या फिर DNS डोमेन नेम सिस्टम जो आईपी एड्रेस पर काम करता है, हर वेबसाइट का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे एग्जांपल दिया जिसे याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम तो शुरू किया जाता है।
ठीक है ना। अब आईपी एड्रेस जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, इतने सारे नंबर आप कैसे रन कर सकते हो, ठीक है। हर वेबसाइट के इतने सारे नंबर रहते होंगे, 14-15 नंबर एक एक वेबसाइट के होंगे, तो आप इतने सारे रन कैसे करोगे, ठीक है। नंबर है, आईपी एड्रेस रन नहीं कर पाते, इसीलिए क्या बनाया गया उनको, डोमेन नेम बना दिया, ताकि आप इसी तरीके से उसको पढ़ लो और याद करो। अब क्या आएगा, फेसबुक सर्च करने के लिए www.facebook.com पढ़ गए। बट अगर मैं उसी चीज को यहाँ पर अगर ये लिख दूँ कि 02847912312 इस तरीके से नंबर लेके तुम आप सर्च करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, क्या ये क्या हो गया, हमें याद नहीं रहेगा, ठीक है। बट www.facebook.com के नाम से सर्च करोगे तो आप इसी तरीके से याद भी रहेगा और आप लिख, इसीलिए डोमेन नेम का यूज किया जाता है। अगर आपको हर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाने के लिए नंबर याद करने पड़े तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करना है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर हर वेबसाइट के लिए आप इन नंबरों का सहारा लेके जाओगे ना तो आप इंटरनेट चलाना ही छोड़ दोगे। इसलिए इंटरनेट को सरल और आसान बनाने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का आरंभ किया गया, जबकि बैकग्राउंड में आईपी एड्रेस पर ही काम करता है। आपके सामने तो क्या दिख रहा है, www.facebook.com आपने ये लिखा है, ठीक है ना। बट अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, ये न्यूमेरिकल ही चल रहा है, ठीक है ना। अंडरग्राउंड कहां से जा रहा है, ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही ये नेट चल रहा है, ठीक है ना। रियलिटी में आपके सामने ये चीज दिख रही है, बट इन्हीं नंबरों को कहां पे डोमेन नेम में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप पढ़ सको, याद रख सको और चला सको, ठीक है ना। बड़े नंबरों को पढ़ के लिखने याद करने में आप वेबसाइट या फिर इंटरनेट चलाना भूल सकते हो, इसीलिए डोमेन नेम का यूज किया गया। बट अंडरग्राउंड बैकग्राउंड यही नंबर चल रहा है, सामने स्क्रीन पे हमें भले facebook.com दिख रहा है, बट अंदर यही नंबर चल रहा है, ठीक है। ये फेसबुक का नंबर नहीं है, मैंने मन से लिखा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दिया है, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन नेम की आवश्यकता होती है, फिर इन दोनों को जोड़कर एक वेबसाइट बनती है, ठीक है ना। होस्टिंग और डोमेन नेम दो चीज लगती है। जब आपको वेबसाइट पर डायरेक्ट बनाने के लिए सिर्फ उसके डोमेन नेम को गूगल पर सर्च करना, जिससे आप आसानी से उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, इसे डोमेन नेम या फिर वेब एड्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आप डोमेन नेम भी बोल सकते हैं या फिर वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं। डोमेन नेम स्पेस DNS डाटाबेस हायरार्की नामकरण योजना को एक डोमेन नेम स्पेस कहा जाता है। पदानुक्रम में प्रत्येक नोड DNS डाटाबेस के विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है। नोड्स को डोमेन नेम के रूप में जाना जाता है और इनमें से कुछ प्रत्येक का एक नाम होना चाहिए, क्योंकि DNS डाटाबेस नाम से अनुक्रम। अब यहाँ पर क्या होता है कि सभी का एक नाम होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके फर्म, आपके ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम होना जरूरी, उसी पे हाँ पे क्या बनाया जाएगा, डोमेन नेम बनाया जाएगा। अब फ्लैट नेम स्पेस, इस तरह के नेम स्पेस में एक नाम होता है जिसे आईपी के साथ मैप किया जाता है, या फिर केंद्रीकृत नेम स्पेस नहीं होता, इसलिए इसे इंटरनेट के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट डोमेन नेम क्रिएट होने की समस्या होती है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो नंबर होते हैं इसी के बिहाफ पे क्या बनाया जाता है, आपका डोमेन नेम बनाया जाता है, ठीक है। अब आपका नाम, आपके आईपी एड्रेस के जो नंबर है वो और आपकी फर्म का नाम, दोनों को मिलाकर एक नंबर क्रिएट किया जाता है, ताकि अगर किसी से वो चीज नेम मिले ना, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर मैं इसी से लूंगा तो फेसबुक हैगा, तो फेस FSE हो गया, FB हो गया, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, FB यही बोलते हैं, हम वो सर्च भी करेंगे तो आ भी जाएगा, ठीक है ना, सर्च करने पर ये चीज आ भी जाएगी। बट यही सारी चीजें अगर हम इसमें लेके चलते हैं कि अगर और किसी ने डोमेन नेम का यूज कर लिया तो क्या होगा, उस चीज का यूज कर लिया, उसी नाम से वेबसाइट बना ली तो आपको शो हो जाए, ठीक है। जब भी आपकी बनती है, आपकी एक चीज मान के चलना कि फेसबुक ये एक नॉर्मल सी साइट है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, कि आप जब भी अगर ये साइट सर्च करोगे, ठीक है ना, गूगल, तो इससे रिलेटेड आपको 10 और साइट मिल जाएंगे, इसी से रिलेटेड 10 और साइट आपको मिल जाएंगे। लाइक बोल सकते चेंजेस कितना होगा, ठीक है, FSE फेसबुक होता है, ठीक है, उसमें इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से उसमें चेंज कर दिए जाते हैं। ये क्या होता है, उससे मिली जुली वेबसाइट बन जाती है। हम लोग एक बार उसको देख के, अब नॉर्मल बात है, चलो यहाँ तो अलग दिख रही है, बट इसमें देखने में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो सही लिखा तो आपका खुद कंफ्यूज हो सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आईडी आपके जो डोमेन नेम होता है वो इस तरीके से होना चाहिए जो सिंगल, अदर कोई उसका यूज ना करता,
सर मिलते जुलते नाम की डोमेन आईडी बन जाएगी, पर उस नाम की डोमेन आईडी नहीं बनेगी, वो सिंगल ही रहेगा। इसीलिए उनका आईपी एड्रेस और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब मिलाकर ही डोमेन नेम बनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है हायरार्किकल नेम स्पेस। जो आज आप डोमेन नेम उपयोग कर रहे हैं वे इसी तरह के नेम के स्पेस से आवंटित किया गया है। इस तरह के नेम के नेम स्पेस में डोमेन नेम्स कई भागों में मिलकर बनी होती है। जैसे कि एक भाग बताता है कि डोमेन नेम किस तरह के संगठन से संगठित है, ऐसे ही दूसरा संस्था का नाम है उससे संबंधित जानकारी बताता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या चीज़ बताई गई है कि डोमेन नेम जो रहता है सबसे पहले तो ये चीज़ बताता है facebook.com एक कंपनी का नाम बता रहा है, .com ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, या कॉमर्स है, बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर कुछ होगी तो उसके आगे कुछ और, जैसे अभी हमने .com से और भी नाम पढ़े थे एग्जाम्पल में, वो लगता है तब समझ जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस से रिलेटेड है। ORG आया तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट द्वारा सॉफ्टवेयर की मदद से दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है और स्क्रीन शेयर कराई जाती है और पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली बात है कि यहाँ पर एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर रहते हैं, उसकी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं हम, वो कंप्यूटर पर क्या चल रहा है उसकी स्क्रीन हम अपने कंप्यूटर पर ला सकते हैं रिमोट एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है। लाइक ये बोल सकता हूँ कि मेरा मोबाइल देखा, ठीक है, मैं सामने वाला अपने रिमोट एक्सेस कंट्रोल वाला मेथड यूज़ कर रखी, उसके द्वारा क्या होगा कि वो जो मेरी स्क्रीन पर चल रहा है वो उसकी स्क्रीन पर भी चलेगा, ठीक है। इतना सा इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आता है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर कोई भी चीज़ ग्रुप में एक्सेस करना, ग्रुप में चलाना, ये टीम व्यूअर होता है। लाइक बोल सकते हैं कि हम जूम होता है, ठीक है, ग्रुप में देख लेंगे। आजकल हमारे व्हाट्सएप फेसबुक सब में भी ग्रुप फैसिलिटी आ गई है। जो भी चीज़ आप एक साथ में यूज़ करते होंगे टीम के रूप में वो सब टीम व्यूअर में आती है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे। थैंक यू।